हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है मेरा जो ये व्लॉग है, आज मेरा पूरे दिन का व्लॉग होगा। ये क्या क्या मैं करने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा कोई जाने का प्रोग्राम ही नहीं होता, मैं कभी भी कहीं भी चली जाती हूँ। तो ये भी उठ गए हैं और ये अभी जस्ट अभी टंकी में पानी भर के आए हैं छत पे। ये डेली सुबह चले पहुँच जाते हैं और इनका 2-2.5 घंटे मतलब अभी से स्टार्ट हुआ है और अब से लेके ये 11-12 बजे तक पानी ही भरते रहेंगे टंकी में। और घर भी उठ गया है और चलो आज देखते हैं आज पूरे दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। तो व्लॉग के साथ बने रहना। डॉली आज सुबह सुबह चली गई ऑफिस, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये डॉली है मेरी मौसी सास की बेटी और डॉली को ऑर्डर मिला है। किसने दिया ऑर्डर डॉली? भुट्टे उबालने के लिए। तो इनको ना डॉली के हाथ का मतलब वो खाना है। तो या तो मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का कुछ खाना टेस्टी लगता है या तो डॉली के हाथ का। डॉली बहुत अच्छा खाना बनाती है। डॉली बचपन से ही हमारे साथ रही है। तो डॉली बहुत छोटी थी जब, याद है डॉली कितने साल की थी? अब तो डॉली की शादी भी होगी। और गुन्नू भंडारा खा रहा था, हमने खाना नहीं बनाया क्योंकि हमारे पड़ोस में भंडारा हो रहा था और हम इतने खुश हो गए अंदर, यार वाह खाना नहीं बनाना पड़ेगा अब तो। तो गर्व यहाँ पे खा रहा है और गर्व का जी साफ हो गया, जी साफ हो गया। गर्व पता है क्यों खा रहा है? गर्व को क्योंकि गर्व को हलवा खाना है। अब मैं जा रही हूँ उसके लिए हलवा बनाने। डॉली भुट्टे छिल रही हैं, कितनी कहावत वो होती है ना, भुट्टे छिल रही हो। तो फ्रेंड्स मैं जा रही थी नहाने और मैं भी अब जा रही हूँ, कितनी बाबा कितनी कबाड़न लग रही हूँ मैं। तो मैं अब जा रही हूँ गुन्नू के लिए हलवा बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हलवे की रेसिपी, कि आटे की हलवा हम कैसे बनाएं। तो अभी मैंने कच्ची हल्दी है जो वो काटी थी, तो देखो कैसे मेरा नेल्स जो है बिल्कुल पीला पीला हो गया। मैं दूध में डाल के गर्व के लिए बनाई थी। तो अब गर्व के लिए जा रही हूँ आटे का हलवा बनाने। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आटे का हलवा मैं कैसे बनाती हूँ। मुझे रियली कोई आइडिया नहीं है कि आप लोग कैसे बनाते होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अगर मैं एक कटोरी से थोड़ा ही लूँगी, मतलब बराबर मात्रा होनी चाहिए घी और आटे की। तो जितना आटा डालेंगे हम उतने ही घी डालना चाहिए आटे की वो हलवा बनाने के लिए। तो क्योंकि मैं थोड़ा बिल्कुल बना रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। मैं इससे नाप के एक कटोरी आटा ले रही हूँ, ये ले लिया, और इतना ही घी लूंगी। सो घी भी डाल देती हूँ इसके अंदर। सो मैंने अपने अंदाजे से घी ले लिया है कि बराबर ही हो। अब घी और आटे को मैं फ्राई करूंगी मंदी मंदी आंच पे, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो ब्राउन होने तक इसको मैं अभी मंदी आंच पे रखने वाली हूँ गैस पे। यहाँ पे आटे के हलवे के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी मैं घी मतलब मेल्ट हो रहा है इसमें, ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फिर इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है कि ब्राउन ब्राउन हो जाए। डॉली अगेन, डॉली क्या कर रही हो पोस्टमार्टम? पता है इसमें क्या हुआ? इसमें ना कीड़े निकल के आ गए। अब डॉली एक एक उसको देख रही है, एक एक दाने में कहीं कुछ कीड़ा तो नहीं है, किसी के मुँह में तो नहीं आ जाए। तो फ्रेंड्स हम किचन में खड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे खुद को नहीं पता होता है कि मैं अभी जाने वाले नेक्स्ट कहाँ पे हूँ। तो अचानक किचन में खड़े खड़े हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इधर हलवा बन रहा है। तो हमने क्या डिसाइड किया है? हम जाएंगे लाजपत नगर स्टार। हाँ, तो डॉली रानी को सैंडल दिलवाना है, तो वो हम लेने जाएंगे आज लाजपत नगर। तो देखते हैं सच में जा पाएगी कि नहीं। तो ब्लॉग के साथ बने रहो क्योंकि हम ऐसे ही हैं भैया, हम ऐसे ही हैं। हम कुछ हम कहीं भी अभी हम लाजपत नगर बोल रहे हैं, फिर वो पीछे बैठे हैं सर, वो कहीं और का प्रोग्राम हमारा बना देंगे। तो फिलहाल अभी जो हम डिसाइड मतलब हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो लाजपत नगर का कर रहे हैं और देखते हैं कहाँ जाएंगे। और बैगन आलू की सब्जी भी बनानी है शाम में, तो हमें बहुत ही टाइम से निकलना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम लेट हो जाएंगे। और बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है, खाना ही नहीं है बाहर का खाना। नहीं मुझे खाना है चटोरी, मुझे चाइनीज प्लेटर खाना है।
और या तो फिर बैगन आलू खा लो, बैगन आलू फिर नहीं खाओगी। हाँ ठीक है, फिर अभी देखना, अभी डॉली तैयार होगी उसका जलवा देखना। गुलाब जामुन और बेबू के पापा के लिए मैं लेके जा रही हूँ गुलाब जामुन, क्योंकि हम भी रख के भूल गए थे उसमें, है ना पूरा। मैंने भी इसमें एक ग्लास पानी डाल दिया है और इसको मैं अभी इस तरीके से जल्दी जल्दी फेटूंगी, और मैं इसको अभी फोन पकड़ू या ये करूँ तो इसलिए मैं भी फोन को ऑफ करती हूँ। अरे बाप डॉली कर रही है, खा लिया। अब इसमें हम चीनी मिक्स करेंगे इसके साथ ही, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कम मीठा चाहिए ज़्यादा मीठा चाहिए, तो यहाँ पे अभी चीनी मिक्स कर रही हूँ। ठीक है डॉली, हाँ डाल सर, डालो। देखा आपने, एक मतलब एक कटोरी में, एक कटोरी मतलब प्लास्टिक की, तो सारा हलवा बन गया इसमें। ये बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है खाने में। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे खाते नहीं है तो मैं भी डालूंगी नहीं। तो डॉली यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है, और जब तक इसमें जैसे किसी चीज़ में पानी छोड़ता है तो हमें पता चलता है, तो इसमें जब तक आपको घी अलग से, मतलब कैसे बोलेंगे डॉली आप बताओ, जब तक इसका घी अलग ना हो जाए, घी जब तक नहीं अलग हो जाए, जब तक इसको हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है, पकाते रहना है। अब चाहो तो आप थोड़ा सा गैस को थोड़ा फ्लेम तेज कर सकते हो, तो बस भूनने के टाइम हमें इसको ध्यान रखना है कि तेज गैस पे ना करें, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप देखा भी हो गुरुद्वारा में हमें इस तरीके का प्रसाद मिलता है, कड़ाह प्रसाद, तो वो भी ऐसे ही बनाते हैं। सो डॉली बताओ क्या हो गया, इसका घी अलग हो गया। हाँ, तो ये रेडी है, घी अलग हो गया है, तो अब ये फाइनली रेडी है, और इसको अभी हम सर्व करेंगे गूगल के लिए। इसको थोड़ा थोड़ा करके खिला रही हूँ क्योंकि गर्म है थोड़ा। गर्म कैसी लगी आपको, पीछे करो पीछे हो, तो स्पेशली गर्व के कहने पे मैंने ये बनाया है, और गर्व को बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना, क्योंकि गर्व को बुखार था ना दो दिन से, तो वो कुछ खा ही नहीं रहा था, तो इसने अब बोला कि मम्मी मेरे लिए कुछ बना दो, अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसलिए भी मैंने ये बना दिया कि कुछ तो खाएगा बेचारा। इससे हलवा से ही टेस्ट वापस आता है ना, हलवा से जी साफ हो जाता है ना, तो डायरेक्ट आप भी खा लो ना। ये लड़की है, इसको जाना है, कहाँ जाना है, लाजपत नगर, और टाइम कितना हो रहा है, 7:30। तो मतलब जब लास्ट जब हमने हलवा बनाया, हलवा बनाने के बाद पूड़ी खाने के बाद सब सो गए, और मैं आपको दिखाती हूँ मैं बिल्कुल तैयार हो गई। रुको, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और इनमें से कोई भी अभी तैयार नहीं हुआ। ऐसे पापा भी अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, और तो और नहीं ऐसे नहीं घूम रहे, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्जी भी देखो मैं अभी यहाँ पे बनाने रख दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना हो रहा है, और अब नहीं खा सकती मैं बाहर खाना, तो मैं बना के जाऊँगी तो मुझे टेंशन होगी कि मुझे खाना नहीं है कुछ बाहर, सो बाहर बिल्कुल नहीं खाना है, इसलिए मैं बैगन आलू की सब्जी और चावल आके बनाऊँगी, रोटी और चावल। तो देखते हैं, तो 7:30 तो यहीं हो गए, कब निकलेंगे, कब पहुँचेंगे हम लाजपत नगर। तो कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और सबसे ज़्यादा ना ये गुस्सा हो रहा है बहुत ज़्यादा कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हो, जबकि मैंने लेट नहीं किया, मैं तैयार होकर बिल्कुल बैठ गई हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये लोग कब उठेंगे। तो मतलब बिना मतलब का तो गुस्सा करने वाली बात हुई ना, क्यों बिना मतलब में गुस्सा हो रहे हो, पहले नहीं पता था कि कोरोना में बंद होगा। हाँ अब ऐसे घूर रहे हैं, दुकान बंद हो जाएगी फिर क्या, मोमोज की दुकान देखोगे फिर लोगे? नहीं मोमोज तो खाना ही नहीं है। यहाँ पे मम्मी गुस्सा हो रही है इनके ऊपर, और क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा इसलिए कर रहे हैं कि सारे कपड़े गिर गए ऊपर से, ऊपर सारे कपड़े गिर गए, और किसकी वजह से गिरे हैं? ज्यादा लेट कर रही है, कर फोन कर दे, अभी 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 तो मेरा बजा रहे हैं, और मम्मी हमें पैसे दे रही है, मम्मी कितने दे रहे हो, दे दो। देखो मम्मी के हाथ में लग गई चोट, मम्मी लेकिन पैसे गिन नहीं भूलती। ये देखा, हमें इतने सारे पैसे मिले, ये डॉली आज तो हम पूरे लाजपत नगर खरीद लेंगे। हाँ।
डॉली जहाँ पे जॉब करती है ना, तो डायटिशियन है उनकी मैम, तो वहीं के वो क्लाइंट है, तो डॉली वहीं पे जा रही है लेने के लिए, तो डॉली की जान पहचानती है। लाजपत नगर आके कह रही है हम लाजपत नगर ही आए हैं ना, तो नहीं, शाम हो रही है ना तो पता नहीं चल रहा। अच्छा तो मेरी और आ जाओ, सो जाओ सो जाओ, और थोड़ी देर सो जाती। सो अभी हम देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है डोरी, मुझे भी नहीं पता है, मैंने शॉप नहीं देखी हुई है। शॉप तो मैं बताऊँगी, अंदर तो देखो अपने डेस्टिनेशन पे। और डॉली क्या लेने वाली हो? डॉली कितनी भीड़ हो रही है, डॉली लिया नहीं ऊपर, क्या हुआ देखने दो अभी तो लड़की कंफ्यूजन है, लड़की कंफ्यूजन है भाई। घूमने तो नहीं होगा, देखना करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। डॉली डॉली हाइट कितनी है? मेरी 5'6" हाइट है। और सैंडल कितने कितने इंच की ले रही हो? और कितनी लंबी हो जाओगी? 3 या 4 इंच। मतलब इतनी सारी है यहाँ पे वैरायटी सैंडल में, लेकिन इस लड़की के पल्ले ही नहीं पड़ रही कुछ भी, इसको लेना है ट्रांसपेरेंट। अरे पवन छोड़ दे, उसका नहीं है, दूसरे वाला का इधर आ। तो डॉली तो पता नहीं डॉली को कब पसंद आएगा, तब तक मैं रक्षित के लिए एक चप्पल ले लेती हूँ, तब तक मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये कह रही साइज छोटा है। तो मैंने कौन सा पसंद किया है भैया? आ गया ये भाई, इसका मुझे बड़ा साइज मंगवाया। अरे राजीव राजीव, फाइनली तो यहाँ पे हमने थिएटर बनवाया है, लाजपत नगर आए और हम थिएटर ना बनवाए क्यों? ये भी बिल्कुल मेरी तरह चटोरी है, हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर खाते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे पता है वीडियो में भी पूछने वाले हैं कि आपने कहाँ पे खाया है। तो यहाँ पे ये मतलब तो पैक भी हो रहा था। हाँ तो यहाँ पे ये अपने लिए अलग प्लेट लेके आए क्योंकि हमें वेज खाना था और हम वेज खाते हैं, और ये चिकन खाते हैं, इनकी बहन भी चिकन खाती है, सो ये भी अच्छा है, नॉट बैड। हेलो,
गाइस तो हम आए हैं फूड बस इंडिया, ये है लाजपत नगर में और भाभी यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। भाभी क्या ऑर्डर कर रहे हो, क्या खा रहे हो? पल्ली नहीं पड़ी है मेरी, क्या करूँ मैं? मेरा मेन्यू इसमें से देख के एक बार कर लो ऑर्डर। हाँ देखते हैं, इसमें से देख लो। हम बैगन आलू की सब्जी बना के आए हैं। ये बैगन आलू की सब्जी बना कर आए हैं, बाहर नहीं खाएंगे, वो कुछ हो जाता है आगे। तो मुझे आज एक ऐसी फैन मिलेगी जहाँ पे मैं ऑलवेज आती हूँ और ये मुझे ऑलवेज मिलेंगे, ये कभी ना खोने वाली मुझे मेरी फैन मिली है। मैं आपकी बहुत सारी वीडियो देखती हूँ, हेयर स्टाइल पार्टी वगैरह। फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए और हमको बिल्कुल भी जाम वाम कुछ भी नहीं मिला, एक भी बत्ती नहीं मिली अभी तक। और हम अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे और हम पहुंच गए अभी सीट पे, सीटी हौज खास। तो बस अब पहुंचने वाले हैं घर, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे, 10 जाम ना मिले तो 5 मिनट की दूरी पे, और जाम मिले तो आधा घंटा 1 घंटे में भी नहीं पहुँचेंगे हम। सो संडे है तो जाम ही नहीं है यहाँ पे। तो आपको मैं घर जाके दिखाती हूँ कि डॉली ने क्या सैंडल लिया है। ये लड़की लाजपत नगर से अपने दीदी से बात करते हुए आ रही है, बात ही खत्म नहीं हो रही है इनकी। हमारी दीदी से बात करने के लिए 1-2 घंटे चाहिए होते हैं। कौन सी दीदी है? ममता दीदी। ममता दीदी वो वाली देवली वाली? नहीं, हाँ अलीगढ़ वाली। हाँ हाँ। तो डॉली भी खाएंगी, आप भी खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। दो दे दो भैया। तो फाइनली हम आ गए और हम कुल्फी खाते खाते हुए आ रहे हैं बड़े मज़े से रात में सुनसान। सिर्फ सैंडल लिया है, मतलब 2 घंटे में इसने सिर्फ सैंडल लिया है। मतलब मैं इतनी बोर हो गई मैंने, मतलब क्या करूँ मैं। फिर मैंने रक्षत के लिए एक चप्पल ले लिया, मतलब मैंने भी खरीद लिया फिर भी ये खरीद नहीं पाई। तो चलो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि डॉली ने क्या सैंडल लिया है। बाबा रे, सूट का भी अच्छे से हुआ भी नहीं है प्रमोशन, आइसक्रीम प्लेटर सब गिर गया इसके ऊपर। ओह एवरीवन, हम फाइनली घर आ गए हैं और घर आने के बाद एक मसला हो गया। मसला ये हुआ कि रक्षित बेचारा इतना खुश हो रहा था अपनी चप्पल को देख के, और हुआ ये कि देखो क्या हुआ, चप्पल ही छोटी हो गई। नहीं, ये छोटी है, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। आप तो भैया बड़ी बोल रहे थे, आप छोटी बोल रहे थे, आपकी गलती नहीं, मतलब दोनों में से किसी की गलती नहीं है तो इसलिए। लेकिन अब हाँ, तो आपको अब मैं डॉली की दिखाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है घर में। ये देखो अपनी बुआ की चप्पल ये पहन रही है। आ जाएगी मेरे, आ भी गई। देखो बेबू के पैर कितने बड़े हो गए, बे दोनों बराबर की हो गई। तो हम लेके आए हैं डॉली, सैंडल तो रिवील करो एक बार। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, भपका मैन से मिलो। भपका नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए भपका मैन अभी बने रहो। नाम है अभी, सब्जी बनी हुई है, सब्जी भी बना के तो आपको चेक कराएंगे कैसी बनी। अरे भपका मैन ऐसे भपक रहे हैं, उनको कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। मेरे को देखो कितना काला बना दिया। देखो अब देखो अब देखो, आप एक्सेप्ट करो कि आप कलवा हो। सारे इंडियंस ऐसे ही होता है, सबका टोन ऐसे होता है। चलो मैं बेबू को दिखा देती हूँ आपको, बेबू को दिखो। सही आ रही है, थोड़ी सी ढीली है। बुआ को पहना के दे, वो दो को डाल ले ले चप्पल। अरे डिसेंट सा लगता है थोड़ा सा, अच्छा है यार, ऑफिस जाते हो। मैं मुझे तो ये लग रहा है पहली बार तो सही है ये जो रंग बिरंगी देख रही। इस लड़की ने इतना हील लिया क्यों है? पहले इतनी लंबी है बाबा रे, बहुत लंबी है, अपने भैया से भी ज्यादा लंबी है ये। तो हील नहीं है तो फिर भी यार 3 इंच तो और लंबी हो। लंबी मेरे को अपनी हाइट नहीं बताओ, क्योंकि मैं हील नहीं पहन पाती। अब हील पहनूंगी, सब डायलॉग सुनाएंगे। भैया 5-5 है, आप 5-6 हो, भैया से भी लंबी हो। तो आज डॉली इसको पहन के भी सोएगी। डॉली बाबा रे, इतना लेट लगाती है ना ये दुकान पे लड़की। मैं नहीं जाऊंगी अब इनके साथ कभी भी कहीं, समझ नहीं आ रहा था। मतलब इतनी बड़ी दुकान है और इतनी सारी चीजें थी इस पे यहाँ पे, मुझे ना इतनी ही हील चाहिए। अभी भी ये ना, मतलब मुझे पता है कि सेटिस्फाइड नहीं है सैंडल को लेके, है ना? 1.5 घंटे आपने उसमें लगा। अरे ये आई रही थी, ये तो तेरे डैडी की शक्ल देख के थोड़ी डर गई है, नहीं तो 2.5 घंटे लगे सिर्फ ये लगा। मैं जल्दी ले ली थी ये, तो जल्दी ले ली थी वो, फोटोशूट पे तो कराया था।
बस की जो रिसेप्शनिस्ट थी ना वो मेरी फॉलोअर्स थी। हमें तो लगा कि हम कचड़ा फेंक रहे थे ना, इसलिए मुझे बार बार घूर घूर के देख रही है कि कूड़ा फेंक दिया और यहाँ से कुछ नहीं खरीदा। हुआ अब ये बिल्कुल ठंडा है, थैंक गॉड। चलो बाबू आप तो गुब्बारे से खेलते हो, खड़े हो जाओ यहाँ से, बैट उठाएंगे हम लोग, बाहर शिफ्ट करेंगे बैट को। और ये लड़की बैगन आलू के नाम से गुस्सा होके बैठ गई है, गुस्सा बैठ गुस्सा हो गई ये लड़की बैगन आलू के नाम से। बाबू